दोस्तों न्यूयॉर्क की फेमस डिश हॉट डॉग्स को तो आप सभी जरूर जानते होंगे। वर्तमान में इस डिश ने भारत में भी बहुत सारे लोगों के दिल को जीत रखा है। जनरली टाइप से इस डिश को सॉस के साथ खाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फैक्ट्री में किस तरह इस हॉट डॉग्स को बनाया जाता है। दोस्तों ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ उस घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। सिंपली इस हॉट डॉग को चिकन और मीट द्वारा तैयार किया जाता है जिन्हें स्पेशल चिकन फैक्ट्री से खरीद कर लाया जाता है। अब इस पैकिंग चिकन को खोल कर ट्रिमिंग ब्लेंडर मशीन में डाला जाता है जिसके नुकीले दांते इस मीट को बेलनाकार चॉप्स में काट कर एक ब्लेंडर में इकट्ठा करते हैं। अब इन चॉप्स को एक साथ आटा बनाकर इसे एक फिलिंग कंटेनर में डाला जाता है जहां पर इस मिश्रण में सॉल्ट यानी नमक, स्टार्च पाउडर तथा अदर इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स किया जाता है जो फैक्ट्री के लिए सीक्रेट होते हैं। आगे इस मिश्रण में कॉर्न सिरप यानी शक्कर का पानी और डिस्टिल वाटर को भी मिक्स किया जाता है जो इस मिश्रण के साथ बड़े बड़े ब्लेंडर द्वारा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं जिससे इस मीट पेस्ट को एक स्मूथनेस मिलती है। इसी के साथ एक पाइप से इस मिश्रण को एक अलग कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है जो देखने में बटर जैसा लगता है। अब इस मिश्रण को एक स्टम्पिंग मशीन से गुजारा जाता है जो इस कच्चे मीट को प्रेशर द्वारा हॉट डॉग का आकार दे देती है। लेकिन यहाँ पर यह प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। अब आगे यह हॉट डॉग एक लूप चेन की तरह दिखाई देता है। आगे इस हॉट डॉग की चेन को लटकाकर अगली प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है जहां पर इसे ओवन में अच्छी तरीके से कुक किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद इस हॉट डॉग्स को शोवर रूम से गुजारा जाता है जहां इन्हें गर्म पानी से अच्छी तरीके से धोया जाता है ताकि इन पर उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाए। आगे इन्हें चेन के लूप से अलग कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन हॉट डॉग्स को एक निर्धारित संख्या में कोड बॉक्स के बॉक्स में रखा जाता है जिसे एक वैक्यूम पैकेजिंग मशीन प्लास्टिक की लेयर से सील कर देती है। अब यह हॉट डॉग एकदम बनकर तैयार होते हैं। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में हॉट डॉग को बनाया जाता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।